हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल सी प्री का एक दिसंबर 2022 का थर्ड शिफ्ट का, का पेपर सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है अपने सामने द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर थ्री ईयर एट फोर्टीन परसेंट पर एनम वॉज फोर टू जीरो जीरो लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर फाइव ईयर एट द सेम रेट देखो अपन को पता है सिंपल इंटरेस्ट तीन साल में कितना हो जाएगा चौदह परसेंट अगर रेट है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आप बोलो सर चौदह ती बयालीस परसेंट ठीक है और पाँच साल में चौदह परसेंट का कितना मिलेगा सत्तर परसेंट इन दोनों का डिफरेंस दिया है अपन को कितना बयालीस सौ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस अट्ठाइस परसेंट अट्ठाईस परसेंट की वैल्यू दिए बयालीस सौ अपन से पूछा है सम मतलब हंड्रेड परसेंट की वैल्यू पूछिए सात से काटो सात चौको अट्ठाईस तो सात तो चिंग बयालीस ठीक है चार परसेंट की वैल्यू कितनी है छः सौ चार परसेंट की वैल्यू छः सौ है तो उसे डिवाइड कर लो दो परसेंट की वैल्यू आ गई तीन सौ एक एक जीरो चिपका दो बीस परसेंट की वैल्यू तीन हज़ार पाँच से मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड परसेंट की वैल्यू क्या आ गई थ्री फाइव फिफ्टीन थाउजेंड ठीक बिल्कुल ठीक फिफ्टीन थाउजेंड अपना करेक्ट आंसर हो गया आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू ये फोर फिफ्टी मैन कैन फिनिश कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट इन ट्वेंटी डेज तो चार सौ पचास मैन ट्वेंटी डेज में कर सकते हैं ठीक है अपन से पूछा कितने मैनों की ज़रूरत पड़ेगी कितने मैंस की जरूरत पड़ेगी अपन ने मान लिया एन नंबर ऑफ़ मैंस की ज़रूरत पड़ेगी तीस दिन में काम कंप्लीट करना है ठीक है बिल्कुल ठीक है देखो तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गए तीन से ही कट जाएगा

कोई तरीका नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर क्या आएगा ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस ठीक बिल्कुल ठीक यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पैंतीस धूनी सत्तर इसमें से सत्तर माइनस कर देंगे सत्तर माइनस करेंगे कितना बचेगा सत्तर माइनस करेंगे तीस और पचास इक्यावन ठीक है अब फिर स्क्वायर कर दो फिर क्या आएगा ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको अपन लिख सकते हैं ए बी का होली स्क्वायर इक्यावन का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक पच्चीस और एक छब्बीस छब्बीस सौ एक ठीक है बिल्कुल ठीक है पैंतीस का स्क्वायर कितना हो जाएगा तीचों को बारह पच्चीस बारह पच्चीस का डबल तो चौबीस पचास इसमें से माइनस कर देंगे चौबीस पचास इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा वन फाइव वन ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर की वैल्यू क्या वन फिफ्टी वन ठीक बिल्कुल ठीक ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर टू नंबर्स आर इन द रीशू सिक्स रेशू फाइव इफ दे आर एस सी एफ इज थ्री वट इज द एल सी एम देखो अपन को पता है दो नंबर क्या होते हैं ए e एक्स और ए वाई ठीक है जिसमें से ए क्या होता है एस सी एफ होता है और एल सी एम क्या होता है ए एक्स वाई ये तो सबको पता है ए अगर अपन रेशो लेने की बात करें तो रेशो में ए ए कट जाएगा मतलब एस सी एफ कट जाता है बचता क्या है एक्स अपॉन वाई जो कि अपन को दिया है सिक्स अपॉन फाइव ठीक है तो इसमें अगर तीन से मल्टीप्लाई और कर दें मतलब ए से मल्टीप्लाई और कर दें तो ये हो जाएगा कितना छः ती अठारह और पाँच तीय पंद्रह ये आ गए दोनों नंबर अट्ठारह पंद्रह इनका एलसीएम लेना है एल क्या हो जाएगा छपंजा तीस तीय नब्बे ठीक बिल्कुल ठीक आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव अ कंटेनर कंटेन्स ट्वेंटी फाइव लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर फाइव लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर दिस प्रोसेस फर्दर रिपीटेड बाय टू टाइम्स देखो पच्चीस लीटर का कंटेनर है कितना निकाल रहा है फाइव लीटर निकाल रहा है तो बचा कितना बीस लीटर बाय फाइव ट्वेंटी फाइव और ये प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया तीन बार रिपीट किया गया ठीक है बिल्कुल ठीक है इसी को सॉल्व करना है अपन को कर लो सॉल्व पच्चीस से ये पच्चीस कट जाएगा पाँच चोक को बीस पचम पच्चीस पाँच चौक को बीस पाँच से पाँच कट गया पाँच चौक को बीस पचम पच्चीस ये कितना आ गया चार चक् को सोलह चक्को चौंसठ बटे पाँच चौंसठ दूनी दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड कर लो चौंसठ दूनी एक सौ अट्ठाईस बट ये दस या फिर बोल सकते हैं अपन ट्वेल्व पॉइंट एट करेक्ट आंसर ठीक बिल्कुल ठीक आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स प्लस वाई बराबर ये दिया और ये अपन से पूछा अगर ध्यान से देखो आप तो छत्तीस दिया यहाँ सत्ताईस और नौ दिया सत्ताईस और नौ छत्तीस होता मतलब अपन को इसको छत्तीस को क्या लिख सकते हैं सत्ताईस प्लस नौ ठीक है इसको ले आओ इस साइड तो एक्स माइनस सत्ताईस प्लस बाय माइनस नौ ठीक है अब बोलो सर ठीक है और इस पूरे को साइड ले जाओ तो एक्स माइनस सत्ताइस बराबर क्या हो जाएगा माइनस और बाय माइनस नौ कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं दोनों का क्यूब कर दो इसका क्यूब इसका क्यूब और माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही रहेगा तो ये माइनस ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं तो अगर ध्यान से देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर और अपन से ये इसका सम पूछा है इसका सम पूछा है तो इसको इधर ले आओ एक्स माइनस सत्ताइस क्यूब प्लस बाय माइनस नौ का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा जीरो ठीक है और वैसे भी ए प्लस बी अगर जीरो है तो इसका क्यूब करो तो भी जीरो ही आएगा और इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आता ही आता है ठीक है? तो जीरो अपना करेक्ट आंसर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखो तब तो पाई चार्ट शो कर रहा है नंबर अपन से पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पी क्यू आर एस एंड टी यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर एस पी इक्कीस उन्नीस पाँच और बीस तो बीस चालीस साठ और पाँच पैंसठ सिक्सटी फाइव परसेंट है पी क्यू आर एस का बचा इनका थर्टी फाइव परसेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा थर्टी फाइव परसेंट अपन से क्या पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एवरेज का डिफरेंस बताना है चार चार नंबर है इसमें से डिफरेंस ले लो क्या आ जाएगा तो आप बोलो सर डिफरेंस आएगा थर्टी परसेंट बाय फोर ठीक है और अपन को ये दे रखा है कि एट कंपनीज हैं टोटल कितना कर रही टोटल बाय कितनी है दो हज़ार तो इसका दो हज़ार का थर्टी बाय फोर परसेंट चाहिए अपन को परसेंटेज का मतलब हंड्रेड अपॉन में दो जीरो से दो जीरो कर रहे हैं चार से ये कट गया पाँच बार में पाँच से ये पंद्रह और एक जीरो डेढ़ सौ अपना करेक्ट आंसर आ गया ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट ए बी ए डी दिया है ए बी दिया है कितना सात ए डी भी दिया है सात और ए सी बराबर दिया ए e, ठीक है बी सी बराबर दिया इलेवन तो अपन से पूछा ए डी एलेवन हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन है कैसे हो जाएगा देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है दोनों एंगल बराबर होंगे ये साइड इस साइड के बराबर दिए ये साइड इस साइड के बराबर दिए तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुवेंट अगर ट्राइंगल हो गए तो सब साइड सभी बराबर होंगी मतलब तो ये ग्यारह है तो ये भी ग्यारह होगी ठीक बिल्कुल ठीक आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन बनापन बाय बाय प्लस बनापन बाय बराबर तीन दिया अपन से बाय क्यू प्लस बनापन बाय क्यू पूछा तो क्या हो जाएगा बाय क्यू प्लस बनापन बाय क्यू बराबर क्या होगा के क्यू माइनस थ्री के के क्यू मतलब तीन का क्यूब सत्ताईस माइनस थ्री के थ्री थ्री से नाइन सत्ताईस माइनस नौ कितना हो जाएगा अठारह अठारह प्लस दो ट्वेंटी आंसर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन द वैल्यू ऑफ देखो ये आप ध्यान से देखो साइन टू टीटा का फॉर्मूला पढ़ा है सब ने अब बोलो हाँ सर कैसी बात कर रहा हूँ साइन टू टीटा का फॉर्मूला सबको याद होता है क्या होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है तो यहाँ देखो सेम दिख रहा है दिख रहा है मतलब ये क्या किसकी वैल्यू लिखी है ये लिखी है वैल्यू साइन वन ट्वेंटी डिग्री की अब देखो साइन वन ट्वेंटी को अपन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन में भी कन्वर्स कर सकते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दो तरीके हैं मतलब यहाँ पे ऑप्शन कॉस वाला भी हो सकता है और साइन वाला भी हो सकता है इसको लिख सकते हैं अपन क्या साइन वन ट्वेंटी को नाइन्टी प्लस थर्टी लिख सकते हैं आप बोलो सब बिल्कुल लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं और इसको लिख सकते हैं क्या साइन वन एटी माइनस सिक्सटी वन माइनस सिक्सटी देखो फर्स्ट सेकेंड वन नाइनटी प्लस मतलब सेकंड क्वार्टेंट में आ रहा है वन एट्टी माइनस मतलब कहाँ आ रहा है सेकंड क्वार्टेंट में अपन ने पढ़ा ए एस टी सी यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन नाइन्टी प्लस थर्टी मतलब सेकंड क्वार्टर में आएगा कॉस्ट नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थर्टी माइनस ऑफ कॉस थर्टी के बराबर है ऑप्शन दिख रहा है आप बोलो सर नहीं है ऑप्शन यहाँ से चेक करो साइन वन एट्टी है वन एट्टी में चेंज होता नहीं है साइन ही रहेगा वन एट्टी माइनस सिक्सटी सेकेंड क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन सिक्सटी क्या ऑप्शन दिख रहा है आप बोलो बोलोग बिल्कुल दिख रहा है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक बिल्कुल ठीक आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन देखो द द्राफ सुज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर वेरियस टाइप्स ऑफ लोन अब क्या बोल रहा है इफ़ द इंटरेस्टेड लोन ऑन अमाउंट वाज थ्री पॉइंट वन फाइव करो देन द टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी देखो सैलरी कहाँ ये सैलरी टैक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर देखो सिंपल सी बात है क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सेवेंटीन पॉइंट फाइव की वैल्यू क्या हो जाए थ्री पॉइंट वन फाइव करोड़ तो अपन को बताना है इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बीस दस तीस और बीस पचास पचास की वैल्यू बतानी है. तो देखो यहाँ कर लेते हैं सोलो कोई बड़ी बात नहीं है सिंपल सा सेवेंटीन पॉइंट फाइव की वैल्यू कितनी दी है थ्री पॉइंट वन फाइव सी आर ठीक है एक की वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड बाय सेवेंटीन पॉइंट फाइव ठीक है पचास की वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट वन फाइव अपन वन पॉइंट सेवन फाइव वन पॉइंट सेवन फाइव नहीं सेवनटीन पॉइंट फाइव ठीक है बिल्कुल ठीक देखो तो यहाँ दो डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ एक डिजिट के पॉइंट पॉइंट है तो एक जीरो लग जाएगी कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं पॉइंट हट गए अब पाँच से काट लो या जीरो से जीरो काटो सबसे पहले तो पाँच से काटो इसको पाँच तीय पंद्रह बचेगा दो पचम पच्चीस ठीक है पाँच से इसको काटो पाँच इक्कतीस पाँच तीय पंद्रह पाँच सत्तर पैंतीस सात से ये कट जाएगा नौ बार में नाइन करोड़ अपना करेक्ट आंसर ठीक बिल्कुल ठीक आगे देखते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन टू फोर्टी डिग्री देखो टेन टू फोर्टी को, को अपन क्या लिख सकते हैं टेन वन एटी प्लस सिक्सटी डिग्री ठीक है बोलो सब बिल्कुल ठीक है अच्छा वन एट्टी प्लस सिक्सटी कौन से क्वार्टर में पहुंच गया थर्ड क्वार्टर में वन एट्टी प्लस सिक्सटी और अपन ने पढ़ा ए एस टी सी यहाँ पर टेन पॉजिटिव रहता है मतलब आंसर आएगा प्लस में ही ये नेगेटिव वाला आंसर हो नहीं सकता ठीक है टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री ये क्या बन जाएगा प्लस टेन सिक्सटी और टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री तो अपना करेक्ट आंसर हो गया देखो तो रूट टू और थ्री तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो टेन की वैल्यू रूट टू भी नहीं होती टेन की वैल्यू रूट थ्री भी नहीं होती ये तो अपन को पता थ्री भी नहीं होती टेन की वैल्यू रहती क्या रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन और जीरो ये चार वैल्यूज टेन लेता है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट बताना है अपन को ठीक है इस पर ध्यान रखना अब आगे क्या बोल रहा है आगे ये बोल रहा है द इनकम ऑफ़ सी वन इन ईयर पी थर्टी थ्री परसेंट ऑफ सी टू इन ईयर क्यू सी वन की पी में और सी टू की क्यू में क्या ये इसका थर्टी थ्री परसेंट है अब बोलोग सर बिल्कुल नहीं है ये तो इससे ज़्यादा है अगर सी टू यहाँ पर होता और यहाँ पर सी वन होता तो ये करेक्ट हो जाता लेकिन अपन को करेक्ट नहीं बताना नॉट करेक्ट बताना तो ये अपना आंसर हो सकता है ठीक है तो मतलब ये तो अपना आंसर होगा मतलब बन वाले बहुत बन ना इधर वन वाला और ओनली टू वाला ये दो ऑप्शन आठ गए अभी ये दो ऑप्शन और बच रहे हैं ये चेक करते हैं क्या ये सही है कि गलत है द एवरेज इनकम ऑफ सी वन एंड सी टू इन ईयर टी ईयर टी में सी वन और सी टू की एवरेज इनकम देखो पाँच सौ और, 200, 700 और 800. 800 दो सात सौ और आठ सौ आठ सौ बटे दो एवरेज कितना आ जाएगा चार सौ और एवरेज चार सौ ही दे रखा है मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है अपन से पूछा रॉन्ग तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा ओनली वन ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सिंगल डिस्काउंट इक्वेल एट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन फिफ्टीन परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट ऑन एन आर्टिकल सिंगल डिस्काउंट इक्वेल एन टू सक्सेसिव डिस्काउंट देखो पंद्रह और बारह टोटल कितना हो रहा है आप बोलो सर सत्ताईस तो सत्ताईस के आसपास ही ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसमें से माइनस क्या होगा पंद्रह इंटू बारह आप हंड्रेड तीन आंसर हो नहीं सकता चौहत्तर आई आंसर हो नहीं सकता सत्ताईस में से कुछ माइनस होगा तो आंसर ये एक ही ऑप्शन बचा बाकी पूरा सोल्व करना पूरा सोल्व कर लो क्या जाएगा पंद्रह इंटू बारह अपॉन हंड्रेड ठीक है पाँच तीए पंद्रह पाँच दूनी दस जीरो चार तीए बारह चार पंजे बीस तीन तर का नौ बटे पाँच ठीक है या नौ बटे पाँच दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा वन पॉइंट एट तो इसमें से वन पॉइंट एट माइनस करेंगे बचेगा पच्चीस पॉइंट दो ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अ कॉपर स्पेयर ऑफ डायमीटर एटीन सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन टू ऑफ सिक्स एम एम लेंथ ऑफ वायर देखो एटीन सेंटीमीटर डायमीटर है आप बिल्कुल ठीक है एटीन सेंटीमीटर डायमीटर तो कॉपर का स्पेयर स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब रेडियस डायमीटर अगर नौ है तो रेडियस कितनी हो जाएगी रेडियस हो जाएगी अठारह नहीं नौ 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 अच्छा आंसर दिया है अपन को मीटर में तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है सौ से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है बराबर डायमीटर बायर बना है मतलब सिलेंडर बना और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच रेडियस कितनी हो जाएगी थ्री थ्री और एच इसको भी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है क्या करना पड़ेगा थाउजेंड से डिवाइड ठीक बिल्कुल ठीक कोई दिक्कत वाली बात नहीं दो चार और दो छः छः जीरो से छः जीरो है ठीक है बिल्कुल ठीक पाई से पाई कट गया थ्री थ्री जा नाइन कट गया ये थ्री से ये नाइन कट गया तो चार तीन बारह नब्बे एक सौ आठ बराबर क्या आ गई हाइट ठीक बिल्कुल ठीक आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आ सॉलिड मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस थर्टीन सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू अ कॉन ऑफ डायमीटर बेस रेडियस दे देखो सिंपल सा क्वेश्चन है स्पेयर फोर बाई थ्री पाई आर क्यू आर दिया थर्टीन इंटू थर्टीन इंटू थर्टीन ठीक है बराबर डायमीटर बेस दिया बेस का डायमीटर दिया तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आदि और बनाया गया कौन कौन का वॉल्यूम वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच थर्टीन बाई टू इंटू थर्टीन बाई टू इंटू एच एच अपन से पूछा है ठीक है दो तीरा से दो तीरा कट जाएंगे वन बाय थ्री से वन बाय थ्री कट जाएगा पाई से पाई कट जाएगा तो और क्या बचा एक तेरह बच रहा है ना तो तेरह चुको बावन या दो चार चुको सोलह सोलह इंटू तेरह तीस अठारह आठ यूनिट डिजिट आएगा एक ऑप्शन में दिया ये करेक्ट आंसर ठीक बिल्कुल ठीक आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इफ टेन थीटा प्लस सिक्स थीठा बराबर सेवन थीटा बींगूट एंगल फाइव साइन थीटा की वैल्यू बतानी है तो देखो अगर अपन ऑप्शन और क्वेश्चन को ध्यान से देखें यहाँ सात दिख रहा है चौबीस पच्चीस दिख रहा है तो इससे देखते ही अपन को पता लग रहा है कि ट्राइंगल सात चौबीस पच्चीस का यूज़ हुआ है ट्राइंगल कौन सा यूज हुआ है? थीटा जिसमें सात चौबीस और पच्चीस लिया है ठीक है बिल्कुल ठीक है इसको वेरीफाई और कर लेते हैं टें थीटा क्या होता है चौबीस बटे सात हो जाएगा सिक्स थीटा क्या होता है पच्चीस बटे सात ठीक है और चौबीस और पच्चीस उनचास बटे सात का मतलब सात और यही इक्वल टू सात दिया है अपन को ठीक है तो वेरीफाई भी हो गया अपन से पूछा है फाइव साइन थीटा फाइव इंटू साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस चौबीस बटे पच्चीस चौबीस वाँच अपना करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर एटीन देखो फ्रॉम द वैल्यू एक्स प्लस तो देखो ध्यान से एक्स प्लस जेड बराबर क्या होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और इन दोनों का सम क्या होगा ये तो अपना आंसर एक सौ बीस डिग्री ही आ गया अरे सिंपल सा देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही एक्स प्लस बाय बराबर क्या दिया एक सौ दस ठीक है और बाय प्लस एक्स प्लस जेड बराबर दिया और इसमें अगर बाय और जोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाय प्लस जेड बराबर क्या दिया है एक सौ बीस डिग्री सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या बोल रहा है द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग वाज दिस देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर पाँच है सेविंग वन है तो इनकम कितनी हो जाएगी छ अब क्या बोल रहा है हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय टेन परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट उसकी इनकम दस परसेंट से बढ़ गई कितनी बढ़ गई पॉइंट सिक्स एक्सपेंडिचर बीस परसेंट बढ़ गया पाँच का बीस परसेंट एक ठीक है अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत वाली नहीं है बात नहीं तो उसकी सेविंग कितनी कम हुई होगी सीधी सी बात है ये पॉइंट सिक्स है ये वन है तो यहाँ पॉइंट फोर माइनस हुई होगी, होगी। जब जाके पॉइंट सिक्स आएगा और पॉइंट फोर वन का कितना परसेंट है बोलो सर फोर बाय टेन फोर बाय टेन का मतलब क्या होता है फोर्टी परसेंट ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सत्ताईस की पावर सत्ताईस प्लस सत्ताईस डिवाइडेड बाई अट्ठाईस देखो सिंपल सा क्वेश्चन है सत्ताईस की पावर सत्ताईस प्लस सत्ताईस इसको डिवाइड करना है से ठीक है अलग अलग डिवाइड कर लो देखो यहाँ डिवाइड करेंगे क्या आएगा रिमाइंडर माइनस वन यहाँ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा माइनस वन माइनस वन की पावर सत्ताइस रहेगा माइनस वन ही तो माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू और माइनस टू का मतलब क्या होगा छब्बीस ठीक बिल्कुल ठीक आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो क्या बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी स्कूल डी में है और स्कूल बी में और बायोलॉजी ऑप्टेड किया है. तो ये देखो बायोलॉजी वाले ये बायोलॉजी वाले फीमेल हैं रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल हु अपडेट बायोलॉजी तो ये मेल है ये फीमेल है अपन को चाहिए क्या फीमेल चाहिए ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी में कितने हैं चार सौ चार सौ स्टूडेंट है, है जिसमें से छत्तीस परसेंट ने लिया है बायो ठीक है जिसमें से वुमेन कितनी है सात टोटल में से बारह बराबर बराबर नहीं रेशो चाहिए अपन को किसका डी वाले का डी वाले कितने हैं आठ सौ हैं जिसमें से अठारह परसेंट ने लिया है बायो ठीक है तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा फिर भी लिख लो इनटू टोटल कितनी है नौ कितने में से बारह में से ये तो पूरा लिख लिया अपन ने देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा चार सौ से ये कट जाएगा दो बार में अठारह दूनी छत्तीस से छत्तीस कट जाएगा ये बारह से बारह कट जाएगा क्या हो गया सेवन रेशो नाइन ठीक बिल्कुल ठीक आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन ट्राइंगल ए बी सी द बाई सेक्टर ऑफ बेंगल बी ए सी देखो ट्राइंगल ए बी सी बनाओ ट्राइंगल ए बी सी द बाई सेक्टर ऑफ बेंगल बी ए सी इसका एंगल बाई सेक्टर डी पे जाके मिल रहा है बी डी दिया है छः बी सी दिया है चौदह तो ये आठ हो गया अपन से पूछा ए बी रेशो ए सी ये भी छः रेशो आठ हुआ ठीक है या इसको काट लो तो तीन रेशो चार तो ये भी क्या होगा तीन रेशो चार होगा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ए टेक्स फोर टाइम्स एज मच एज बी और फाइव टाइम्स एज मच एज सी टू तो फिनिश द वर्क टुगेदर देखो टाइम एंड वर्क में एक रेशो पढ़ा है अपन ने टाइम और एफिशिएंसी का रेशो एक दूसरे का इन्वर्स होता है ठीक है ये तो अपन को पता है आप क्या बोल रहा है ए और बी का रेशो अगर देखें तो यह दिया फोर टाइम्स एज मस एज बी मतलब क्या दिया है फोर रेशो वन ये किसका है टाइम का रेशो तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा बन रेशो फोर ठीक है अपन को एफिशिएंसी से ही मतलब है टाइम से कोई मतलब ही नहीं है मेन फोकस एफिशिएंसी पे रहता है अच्छा ए और सी का भी दिया है कितना फाइव टाइम्स वन ये टाइम का रेशो तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा इसका रिवर्स बन रेशो फाइव अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों जगह बन है मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास आ गया वन फोर फाइव ठीक बिल्कुल ठीक अब क्या बोल रहा है दे कैन फिनिश वर्क इन फोर डेज वर्किंग टुगेदर साथ में काम करने में वो चार दिन में काम कर सकते हैं टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है नौ नौ नहीं दस इन टू चार ये हो गया टोटल वर्क बी अकेला कितने दिन में करेगा बी की एफिशिएंसी चार चार से चार कट गया दस दिन में कर देगा ठीक आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम पॉइंट पी अगेंस्ट द करेंट फ्रॉम सिक्स मिनट स्विम बैक अलोंग द करेंट नेक्स्ट सिक्स मिनट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन ये बोला कि एक स्विमर है जो पॉइंट पी से चलना स्टार्ट किया यहाँ तक गया छः मिनट चला मान लेते हैं अपन ए पॉइंट तक गया और इससे वापस आया फिर छः मिनट तक चला यहाँ पे कैसे गया वो अगेंस्ट द करेंट ये डाउन ये अप इस्ट्रीम होगा अप इस्ट्रीम होगा डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा जाएगा ठीक है वो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस दिया एक सौ बीस मीटर इस डिस्टेंस को मान लेते हैं अपन डी डिस्टेंस कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से यहाँ तक ये यह डिस्टेंस डी मान लिया ठीक है यहाँ भी छः मिनट टाइम लगा उसको यहाँ भी छः मिनट टाइम लगा अब अपन ने एक ही फार्मूला पढ़ रखा है क्या स्पीड इक्वल्स टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट है चलो देखते हैं तो पहले वाले केस में स्पीड क्या होगी आप अब बोलो सर ये गाया है डाउन अप अपस्ट्रीम अप में स्पीड होती है एक्स माइनस x एक्स -Y. माइनस x -Y की स्पीड से डी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितने टाइम में छः मिनट में ठीक है एक्स प्लस बाई की स्पीड से डी प्लस वन ट्वेंटी डी से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया वन ट्वेंटी कितने टाइम में छः मिनट में कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है सिंपल सा कुछ चीज़ हो गई अब क्या करना है अपन को अपन को चाहिए स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ करंट चाहिए तो बाई की वैल्यू चाहिए बाई की वैल्यू चाहिए तो एक काम करो इन दोनों को घटा दो तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से आएगा माइनस का टू बाय देखो ये क्या है डी अपॉन सिक्स सिक्स ट्वेल्थ तो सीमएगा माइनस डी माइनस वन ट्वेंटी कोई तो दिक्कत डी से डी कट गया तो डी का खेला ख़त्म माइनस से माइनस कट गया दो से ये कट गया कितनी बार में साठ और छः से ये कट गया दस बार में तो बाय बराबर क्या आ गया दस लेकिन अभी काम नहीं हुआ क्यों काम नहीं हुआ क्योंकि देखो ये दिया है मिनट में टाइम मिनट में दिया है और डिस्टेंस दिया है मीटर में और अपन से स्पीड पूछिए किलोमीटर पर आवर में अभी अपनी स्पीड कितनी आई है टेन मीटर पर मिनट तो इसको क्या बनना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए एक हज़ार से डिवाइड किलोमीटर हो गया और मिनट को आवर में बदलने के लिए साठ से मल्टीप्लाई आर हो गया ठीक है बिल्कुल ठीक है? एक दो जीरो से एक दो जीरो कट गए एक पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर आर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव कपिल सेल्स अ मोबाइल टू द सचिन एट अ गेंद ऑफ फिफ्टीन परसेंट देखो सौ रुपये की चीज़ पंद्रह परसेंट गेन पर एक सौ पंद्रह परसेंट पर बेची गई ठीक है एंड सचिन सेल अगेन टू रोहित एट अ ट्वेल्व परसेंट प्रोफिट तो एक सौ पंद्रह रुपये की चीज पे बारह परसेंट का प्रॉफिट हुआ है बारह परसेंट का प्रॉफिट मतलब थ्री वाई ट्वेंटी फाइव तो पच्चीस और तीन अट्ठाईस बटे पच्चीस में बेची गई और इसकी वैल्यू के अपन को किस कितनी थ्री ट्वेंटी टू ठीक बिल्कुल ठीक तो ये किससे काट जाएगा दो से कट जाएगा चौदह दो से इसको काटो दो एकम दो दो छिंग बारह दो एकम दो एक सौ इकसठ पाँच से ये यही यहीं कट जाएगा पाँच छम पाँच दो दस पाँच तीन पंद्रह पचम पच्चीस तेईस से कट जाएगा तीस सात इक्कीस सात बार में ठीक है सात से ये कट जाएगा दो बार में तो अपने पास क्या आ गया टू बाय फाइव का मतलब एक रुपये तो एक यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा फाइव बाय टू रुपीज़ फाइव बाई टू रुपीज़ का मतलब या फाइव बाई टू रुपीज़ ही रहने दो तो हंड्रेड यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा हंड्रेड इंटू फाइव बाई टू रुपीज़ दो से ये कट जाएगा पचास बार में पचास इंटू पाँच ढाई सौ रुपये ठीक है बिल्कुल ठीक है